नमस्कार साथियों, मैं पिछले संडे को दिल्ली में था, तो गुरुद्वारों में जगह जगह लंगर हो रहे थे, तो मैं भी सोचा कि जाऊं, जाकर के देखूं कैसा क्या माहौल होता है। तो मैं जब वहां गया तो मुझे इतना अंदर से खुशी महसूस हुई, अंदर से इतना अच्छा लगा, क्योंकि मैंने देखा है अदर रिलीजन्स में कि जो वो भेदभाव होते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में कहते हैं ये छोटा वो बड़ा धर्म है, छोटा धर्म ये, इसमें ये है उसमें वो है। तो काफ़ी ये सब जानने के बावजूद भी मैं जब ये सिख धर्म को देखा और उनके गुरुद्वारे में जब गया तो मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। कहने को तो कोई भी कह सकता है कि हाँ मेरे धर्म में ये होता है ये होता है, तो कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, पर जब हिंदू और मुस्लिम धर्म के मुताबिक देखा जाए तो सिख धर्म अभी बहुत अपने एक सच्चाई और अच्छाई का माहौल बना करके समाज को देता है, क्योंकि हमारे समाज में काफ़ी बुराइयाँ अभी भी हैं। और जो सिख धर्म से मुझे सीखना चाहिए समाज को, ये नहीं डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, ऊंचा नीचा के भेदभाव होना चाहिए, ना ही तो ये गरीब अमीर, यानी समाज में किसी प्रकार से नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति गरीब है और कोई व्यक्ति अमीर है तो भी वो उस नेचर का बनाया हुआ बंदा है जो उस अमीर को भी बनाया है और उस गरीब को भी बनाया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा सभी से कि एक बार धर्म की जो है अपनी छाप हटा करके किसी धर्म से हो कोई बात नहीं, पर अगर किसी धर्म में अच्छाई मिल रही हो तो उसको जरूर ग्रहण करें, और अगर समझ में आए तो लोगों के प्रति समानता का विचार रखें और प्रेम स्नेह रखें, क्योंकि समाज में अच्छा करेंगे तो आपको समाज के लोग अच्छा कहेंगे। क्योंकि हर धर्म में अपनी अपनी लेकर के लोग बहस करते हैं कि हमारा धर्म इतना पुराना है उतना पुराना है। पुराना नया सा क्या मतलब, बात है अच्छाई की। अगर अच्छाई आपके अंदर है तो ठीक है, कितना पुराना हो या कितना नया हो इससे क्या मतलब। इसीलिए सब सीखना चाहिए, और इसमें वीडियो क्लिप लगा दिया हूँ, इसको देख लीजिए और इस वीडियो क्लिप को देखिए।